आपको 10 का नोट चाहिए? 10 का नोट तो नहीं चाहिए होगा, लेकिन आपको नोट 10 जरूर चाहिए होगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, जिस पर बात करूंगी, वो है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा हाइप आजकल क्रिएट हुई हुई है। लोग डिफरेंट वेबसाइट पर जाकर सर्च कर रहे हैं, इसकी डिफरेंट वीडियोज़ देख रहे हैं कि इसमें वो कौन से स्पेक्स होंगे जो कि प्रीवियस जो डिज़ाइन है उससे चेंज होंगे नोट 9 से। और आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता मैं आपको बताते चलूँ कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 को लॉन्च किया जा रहा है 7 अगस्त को, यानी कि आज है 5 तारीख, 2 दिन के बाद इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा रूमर्स और लीक से तो मैं सोच रही थी इसे वीडियो बना लूँ, क्योंकि कुछ वेबसाइट से मैंने देखा है कि इसमें जो है वो 4 वेरिएंट दिए जा रहे हैं, कुछ मैंने देखा है इसमें 3 वेरिएंट्स दिए जा रहे हैं। लेकिन जितनी मैंने रिसर्च की है उसके मुताबिक इसमें 3 वेरिएंट्स फिलहाल आ रहे हैं, चौथा जो है वो पॉसिबल है कि लॉन्च किया जाए, लेकिन अभी तक उसकी कन्फर्मेशन नहीं है मुझे, क्योंकि रूमर्स और लीक्स में ज़्यादातर डिज़ाइन वाइज बात की गई है, इसकी स्टोरेज के बारे में बताया गया, रैम के बारे में, उसके कैमराज के बारे में। तो सबसे पहले इसके कुछ डिज़ाइन के बारे में बात करती चलूँ, तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 से क्या क्या चेंजेस है इसमें, लाइक डिज़ाइन में आपको सबसे पहले जो फ़र्क नज़र आएगा वो इसके डिस्प्ले में नज़र आएगा। डिस्प्ले में ऐसे नज़र आएगा कि इसके साइड में बिल्कुल कैमरा दिया गया हुआ था, पंच होल कैमरा था, जो कि इसको मिड में कर दिया है बिल्कुल। इसके अगर टॉप पे आपको डिस्प्ले पे नज़र आएगा पंच होल, एंड इसके साथ जो बैक साइड पे इसके ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको दिया गया है, लेकिन एक सेंसर का इजाफा किया गया है जो कि है TOF टाइम ऑफ फ्लाइट, और यह है 3D सेंसर जो कि इसमें दिया गया है, जिसकी वजह से आप लोग का जो पिक्चर्स आती हैं, लाइक अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर हो जाए, और इसमें AR अगर आप लेना चाह रहे हैं इमोजीज, तो वो बहुत ही अच्छी आ सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोन्स में TOF सेंसर दिया जा रहा है। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में इसका रिजल्ट A1 होने वाला है। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में आपको मिलेगा जो रेगुलर डिवाइस है, इसके बारे में बात करते हैं, 6.3 इंच का आपको मिलेगा डिस्प्ले 1080p रेजोल्यूशन के साथ, और इसमें जो चिपसेट है, इस दफ़ा सैमसंग में आपको सैमसंग का अपना ही चिपसेट नज़र आएगा गैलेक्सी नोट 10 में, वैसे क्वालकॉम का आपको दिया जाता था, लेकिन फिलहाल सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में एक्जीनोस 9825 चिपसेट यूज़ किया गया है, जो कि एक मेजर अपग्रेड है मेरे ख्याल में। इसके साथ रैम जो है वो दी जा रही है, जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 रेगुलर डिवाइसेस में 8GB ऑफ रैम दिया जा रहा है और 256GB स्टोरेज दिया जा रहा है, इसमें आपको 128GB वाला वेरिएंट भी मिल सकता है। जी फ्रेंड्स, जब ट्रिपल कैमरा की बात हो रही थी कि इसके बैक साइड में ट्रिपल कैमरा है, तो जो प्राइमरी मेन कैमरा है वो एक है 12 मेगापिक्सल, और सर एक और भी 12 मेगापिक्सल दिया गया है फॉर टेलीफोटो लेंस, लेकिन इससे आप उतना ज़्यादा जूम नहीं कर पाएंगे जैसे आपको रेनो एक्सरे मिला था या P30 Pro में मिला था, ज़्यादा जूम मिला था, इसमें आपको वो जूम नहीं मिलेगा। इसके साथ 16 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल लेंस मिल रहा है, तो ये कुछ चेंजेस की गई हैं, एंड इसके साथ एक तो मैंने आपको बता दिया TOF कैमरा है, लेकिन इसमें एक और चेंजेस है बहुत बड़ी और बहुत अच्छी मैं कह सकती हूँ इसके बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो बैटरी है वो है 4300 mAh की, लेकिन इसमें जो प्रो वर्जन है जो कि इसका बिग वेरिएंट है, इसमें 45 वोल्ट का आ रहा है, तो ये एक मेजर अपग्रेड हमें मिल रही है कि 45 वोल्ट का चार्जिंग आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगा। अगर हम सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस की बात करें, तो रैम जो है, रैम कुड बी 12GB एंड 256GB, तो प्लस में आपको मिलेगा 12GB, वैसे 12GB गुड। इसमें भी आपको 4 कैमरा सेटअप मिल सकता है एडिशनल, जो मैंने आपको बताया है TOF सेंसर। इसके साथ जो और सबसे बड़ी चेंजेस हैं वो ये है कि इस दफ़ा सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में आपको हेडफोन जैक नहीं मिलेगा, जो कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ ही साल से हेडफोन जैक को रिमूव करने का ट्रेंड चल पड़ा है, तो सैमसंग ने भी इस चीज़ को अब की बार फॉलो किया है। और इसके साथ इसमें जो बैटरी मिलेगी आपको 4300 mAh की बैटरी मिलेगी सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस में, एंड साथ 45 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग आपको मिलेगा, तो ये एक अच्छी चेंजेस है। अगर आप इन पिक्चर्स से अंदाज़ा लगाएं, तो इसमें एक तो मैंने आपको बताया है कि सिंगल होल पंच कैमरा आपको मिल रहा है, ये आपको चेंजेस रहा है। इसके डिस्प्ले में आपको चेंजेस रहे हैं जो कि ज़्यादा ज़रा बड़े साइज़ का दिया गया है, फ्रेमिंग आपको ज़रूर चेंज नज़र आएंगी, एंड कैमरा का जो सेटअप दिया गया है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब देखते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 की प्राइसेस क्या होने वाली हैं। आपको पता है कि डॉलर रेट्स कितने ज़्यादा हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट जो इसका बिग वेरियंट है वो अराउंड 2 लाख तक होगा, तो देखते हैं कि इसकी फाइनल प्राइसेस क्या हैं। खैर फ्रेंड्स, अपने कमेंट्स से मुझे आगाह कीजिएगा और इसी तरह अप्रिशिएट कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को किया नहीं है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। मुझे इंतज़ार रहेगा, तो कल दोबारा आऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।